इस क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे नॉन लीप ईयर की जिसमें 53 संडेज हों। अब नॉन लीप ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक साल में जनरली संडेज होते कितने हैं। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि एक साल में नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, क्योंकि एक वीक में एक संडे होता है, तो नंबर ऑफ संडे हमारे नंबर ऑफ वीक्स के इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 35, बचेगा 1, तो ये 15, 7 2 14। तो अब यहाँ पर हमारे 52 वीक्स तो पूरे पूरे हैं और एक दिन हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि रिमाइंडर हमारा बनाया है। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, लीप ईयर में 365 डेज हैं, उसको 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा। अब 52 वीक्स पूरे पूरे यानी कि 52 संडे तो हमारे पूरे पूरे हैं ही, और एक दिन जो एक्स्ट्रा बच गया है ये हमको देखना है कि इसमें संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ये मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इनमें से कोई भी दिन हो सकता है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा फेवरेबल आउटकम संडे हो जाएगा जो कि यहाँ पे 1 है, और टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे यहाँ पे है 7 जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे हो जाएगी नंबर ऑफ संडेज एक वीक में अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। नंबर ऑफ संडे हमारा एक ही है और टोटल डेज हमारे हैं 7, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ संडे इन अ वीक अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। नंबर ऑफ संडे हमारे 1 है और नंबर ऑफ डेज हमारे वीक में पूरे 7 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/7 हो गई।